तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस टीम के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन तीन खिलाड़ियों के बारे में जिनको मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2020 से पहले बाहर कर देगी। तो जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी मुंबई इंडियंस टीम के फैन है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको आईपीएल जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि 2019 का आईपीएल मुंबई इंडियंस टीम के लिए बहुत ही शानदार गया था, जिसने मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल 2019 की ट्रॉफी जीती, और उसके साथ ही आईपीएल के इतिहास में पहली आईपीएल टीम बन गई जिन्होंने चार बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती। इसी बात को देखते हुए मुंबई इंडियंस की टीम चाहती कि 2020 में भी शानदार खेल दिखाए। इसी बात को देखते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 2020 के लिए बहुत ही अच्छी टीम बनाने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं उन तीन खिलाड़ियों के बारे में जिनको मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2020 से पहले बाहर करना चाहेगी। दोस्तों पहले खिलाड़ी का नाम निकल के आता है, वो है मुंबई इंडियंस टीम के बैटिंग ऑलराउंडर बेन कटिंग का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि बेन कटिंग ने 2018 के आईपीएल में एमए के लिए बहुत ही शानदार खेल दिखाया था, जिसके चलते एमए की टीम ने 2019 के लिए उनको रिटेन किया था। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो कि 2019 में उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब देखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बेन कटिंग ने 2019 में एमए के लिए बहुत ही खराब खेल दिखाया था। दोस्तों एमए के लिए बेन कटिंग ने तीन मुकाबले खेले जिसमें 18 बना के सिर्फ एक विकेट लिया। इसी प्रदर्शन को देखते हुए एमए की टीम 2020 में उनको बाहर करना चाहेगी। दोस्तों वहीं दूसरे प्लेयर का नाम निकल के आता है, वो है वेस्टइंडीज टीम के ओपनिंग बल्लेबाज इवन लुईस का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि इवन लुईस के लिए भी 2019 का आईपीएल बहुत ही खराब गया था, जिसमें उन्होंने तीन मुकाबले खेले जिसमें से वो 48 रन बना सके। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस समय मुंबई इंडियंस टीम के लिए रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करते हुए आए हैं, और दोनों ने अपनी टीम के लिए बहुत ही शानदार खेल दिखाया था। इसी बात को देखते हुए इवन लुईस का 2020 में खेलना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी बात को देखते हुए एमए की टीम उनको बाहर करना चाहेगी। दोस्तों वह तीसरे खिलाड़ी का नाम निकल के आता है, वो है मुंबई इंडियंस टीम के फास्ट बॉलर बरिंदर सरन का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि बरिंदर सरन ने 2019 के आईपीएल में एमए के लिए दो मुकाबले खेले जिसमें से वो एक विकेट भी ले नहीं सके। इसी प्रदर्शन को देखते हुए एमए की टीम उनको बाहर करना चाहेगी। तो दोस्तों मेरे मुताबिक ये तीन खिलाड़ी होने वाले हैं जिनको मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2020 से पहले बाहर करना चाहेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।